G7 की मीटिंग से पहले मिले जापान और भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी और फुमियो किशिदा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुए हैं। G7 में आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री ने किशिदा को धन्यवाद दिया है। भारत सदस्य देश है और चतुर्वेदी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ एक सवाल के साथ, एक बहुत छोटा रिएक्शन। ये आपको लगता है कि ये मुलाकात जो होने वाली है ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच में, ये भारत इतना सक्षम है कि वो युद्ध का अंत करवा सकता है अपनी अपनी बोली से, अपने जेस्चर से? निधि, जो आपने कहा ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। भारत, मैं जो समझता हूँ के पास आज इतनी शक्ति है, मैं शक्ति कहता हूँ नहीं, मिलिट्री शक्ति नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक शक्ति उसके पास, भारत के जनता की शक्ति, विश्व की जनता की शक्ति। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री को विश्व सुनता है, और अगर वो कोई अपील करेंगे तो उसका जरूर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ज़ेलेंस्की को और बाकी नेटो कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग USA जो कि सबसे महत्वपूर्ण है नेटो कंट्रीज़ में, इन सबको देखना होगा कि ये जो युद्ध को भड़काने की बातें कर रही हैं ये सब बंद होनी चाहिए और शांति की तरफ प्रयास होने चाहिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बिल्कुल, और दुनिया भी यही चाहती है कि अब शांति होनी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत तबाही मच गया।